दोस्तों, शायद आप इस खबर से वाकिफ हो ही गए होंगे कि 7 जुलाई 2017 को हुए G20 सम्मेलन में भारत और इजराइल के बीच कई रक्षा सौदे हुए थे, जिनमें से हम आज आपको एक ऐसे रक्षा सौदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, दरअसल ये करार हुआ था एक विमान के आधुनिकीकरण के बारे में। तो आखिर क्या है ये करार और दोनों देशों के बीच में क्या किया गया था, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, ये विमान है भारत का तेजस फाइटर जेट, जिसका तेज जल्द ही और बढ़ने वाला है। दोस्तों, इजरायली हथियार निर्माता कंपनी राफेल एयर डिफेंस सिस्टम के मार्केटिंग मैनेजर के अनुसार पीएम मोदी के इजरायल यात्रा के दौरान ये समझौता किया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जल्द ही विमानों को आईडब्ल्यू मिसाइलों से लैस किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के LCA और सुखोई 30 पहले से ही IRB मिसाइल से लैस हो चुके हैं और इन पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन अब तेजस विमानों को मोदी सरकार द्वारा IRB मिसाइलों से लैस करने का प्रयास किया जा रहा है। इन मिसाइलों को कंप्यूटर ऑपरेटेबल बनाया गया है और ये अन्य मिसाइलों से ज्यादा वर्जन वाला है। जानकारों की माने तो तेजस विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें लगे हुए लेजर गाइडेड बीम जमीन पर भी बड़े आराम से वार कर सकता है। दोस्तों, मोदी सरकार लगातार अपने हथियारों को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगी हुई है और क्या डील हुए हैं दूसरे देशों के बारे में, हम लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं और आपके लिए लगातार वीडियो लाते जा रहे हैं। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और हमें आपके लिए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप इसी तरह अपना सपोर्ट हमें देते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।